बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज अपने नाम करने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के युवा स्टार लेग स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने खुलासा किया है कि किस तरह उन्होंने अपनी फिरकी की जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाया। बांग्लादेश ने सीरीज के दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने 7 गेंद बाकी रहते 4 विकेट पर विजय हासिल कर ली। मेहमान अफगानिस्तान टीम की ओर से स्टार युवा लेग स्पिनर राशिद खान ने 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोट्टे में सिर्फ 12 रन खर्च किए। 3 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान की टीम 2-0 से आगे हो गई है। जीत के बाद राशिद ने कहा, टीम को यही उम्मीद थी। मैं सभी विभागों में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करता हूँ। मुझे 11वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया। यह हमारी रणनीति का हिस्सा था। मुझे बताया गया था कि मुझे मिडिल और आखिर के ओवरों में गेंदबाजी करनी है, इसलिए मैं मानसिक रूप से तैयार था। मैं गुड लेंथ एरिया में बॉल डालना चाहता था। सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 गुरुवार को देहरादून में खेला जाएगा। बकौल राशिद, शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, मोसादेक और सौम्य सरकार के विकेट हमारे लिए अहम थे। ये विपक्षी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हमने सिर्फ अपने बेसिक्स पर फोकस किया। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतकर लाज बचाने की कोशिश करेगी।